इट्स अ वियर्ड एंगल टू टॉक, बट अभी मैं वो करने वाला हूँ यहाँ से। मैं तो तेरे पीछे हो लिया। आज थोड़ा सा लेट हो गए, अंदर कुछ शूट नहीं किया, तब भी कोई बात नहीं। एनीवेज, गुड मॉर्निंग सभी को। पहले वाले में हमारे साथ में ये हुआ था कि ड्राइविंग का पार्ट लंबा हो गया था और ट्रेनिंग का कम हो गया था। कल वाले में ड्राइविंग का तो ठीक था, लेकिन ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मेरे को एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच का रास्ता इस समथिंग जो आप लोगों को पसंद आता है, राइट? ना ज़्यादा ड्राइविंग देखनी है, ना ज़्यादा ट्रेनिंग देखनी है। तो चलिए फिर कुछ वैसा ही करते हैं। और कल नींद बहुत अच्छी आई, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, 3:30 बजे से आँख खुल गई। स्ट्रेंज। और दिन में इतनी भयंकर नींद आएगी अब मुझे, लेकिन मैं दिन में अगर सोया फिर मेरा रात का स्केड्यूल बिगड़ जाएगा। और ये तो कुछ टेंशन की बात नहीं है, मेन टेंशन तो ये है कि कल परसों 2 दिन जिम बंद रहेगा, मेरा क्या होगा? जो नया नया रूटीन मैंने बनाया है, ख़त्म, टाटा, गुड बाय। देखते हैं, यहीं अड़ोस पड़ोस में कहीं निकलना पड़ेगा मुझे इतने टाइम घूमने फिरने के लिए, टहलने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाइक राइड पे निकल जाऊं, सोलो बाइक राइड, बाइक उठाई और नाप दिया पूरे में। लेट्स सी, क्या उठ के कोई एनिमे देख लें अच्छा सा। अब लगता है मुझे खुद ही गाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी गाना बजे चाहे जिम में या गाड़ी में तो कॉपीराइट आ जाता है। माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका ना दिया। अबे मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे। लड़े नैनों के पीछे तू दूर से मुझको खींचे, लड़े नैनों के पीछे तू दूर से मुझको खींचे, डोर तू पतंग मैं तेरा, मैं तो तेरी छत पे जा गिरा, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे। एनीवेज, एक बात मेरे मन में आ रही थी जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी होने वाला था, तो शायद उस चीज़ को उतना डीप में मैं कवर ना कर पाऊँ यहाँ पर, बट एक आप लोगों को आइडिया मैं ज़रूर दे पाऊँगा कि चीज़ क्या है। सो मैंने काफ़ी टाइम पहले एक शॉर्ट बनाई थी अबाउट कपिंग थेरेपी, कि वो ओवर हाइप्ड है। उसका मतलब काफ़ी लोग सही से समझ नहीं पाए और थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स हो गए थे उसमें, लोग अग्री नहीं कर रहे थे। तो आओ उसी को डीप में थोड़ा सा टच करते हैं। तो कपिंग थेरेपी के बेनिफिट्स हैं, अगर हाँ या ना मैं बोले तो? हाँ, देखो बेनिफिट्स हैं, बट सबसे बड़ा कंसर्न ये है ना मेरा कि उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है मीडिया में या सोशल मीडिया में, कि ये कुछ जादुई चीज़ है और कुछ जादुई काम करेगी आपकी रिकवरी पर, तो देखिए वो ऐसा नहीं है। सिंपल सा लॉजिक जो कपिंग थेरेपी के पीछे का होता है ना, वो ये कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा अगर तो रिकवरी इन्हेंस होगी थोड़ी सी। और ब्लड फ्लो सिर्फ कपिंग थेरेपी ही नहीं बढ़ाती है, अगर आप मसाज लेते हो या खुद मसाज करते हो या वो मसाज वाली गन होती है उसे भी चला लेते हो तो भी
आपका ब्लड फ्लो उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर कर रहे हो वहाँ बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने वो वीडियो में भी कहा था कि जिम अगर आप जाते हो तो आपके जिम में फोम रोलर होगा, अगर फोम रोलर नहीं है तो 700-800 का आता है, 1000 का एट बेस्ट वो ले लो, जो मायोफेशियल टेंशन रिलीज़ करने की बात होती है और ब्लड फ्लो बढ़ाने की बात होती है दोनों अच्छे से करता है फोम रोलर, और वन टाइम अफेयर है 1000 रुपये का। ये थेरेपी से मुझे प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि पर सेशन इसके इतने ज़्यादा चार्जेस हैं, मतलब मुझे नहीं पता आपके शहर का, लेकिन लखनऊ में तो काफ़ी ले रहे हैं, हज़ारों में ले रहे हैं पर सेशन, और नॉट वर्थ इट यार टू बी ऑनेस्ट। देखो बेनिफिट है, जो 1-2% का एज जो मिलता है ना परफॉर्मेंस में वो मिलता है, बट उसका आप करोगे क्या? एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिम जाने वाला बंदा वो उस छोटे से एज का क्या करेगा? कोई परफॉर्मेंस एथलीट है फॉर एग्जांपल, जिसको छोटी से छोटी बारीकियां भी मैटर करती हैं, वो ये सब करें लोग, बिल्कुल करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना, कोई एक काम कोई बंदा करता है तो फिर वो ट्रेंड बन जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, कोई स्विमर था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, स्विमिंग एथलीट, वो करवा करके आया था इस चीज़ को, और वहाँ से इसने फिर पकड़ा हाइप, इसने उसके बाद से ये एक आई कैंडी कंटेंट बन गया, मतलब कि जो इसको डाल रहा है व्यूज़ पा रहा है, तो फिर ये वहाँ से करते 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 अब तो ऐसा हो गया कि मतलब कुछ भी बोल रहे हैं यार, 4-4, 5-5 मिलियन वाले वो अपने चकत्थे पड़वा लेंगे गोल गोल, और फिर कहेंगे कि लेट्स नाउ बूस्ट रिकवरी, अभी रिकवरी मेरी बढ़िया हो जाएगी इससे। अरे साहब, घर में आपने आदमी रखा हुआ है, उसी को बोलो मसाज कर देगा, सब बिल्कुल बराबर वही चीज़ हो जाएगी। और क्लेम्स जो ये क्लिनिक वाले करते हैं, बाप रे, पहले सक करेंगे, सक्शन करेंगे, और उसमें पिन मारेंगे छोटे छोटे, और खून जब सक करके बाहर निकलेगा ना तो कहेंगे देखिए सर ये टॉक्सिन्स आपके बाहर आ रहे हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं सरफेस पे, और ये जो काला काला पड़ गया ना चकत्थे, जो निशान पड़ गए हैं, ये टॉक्सिन्स हैं जो ऊपर आ गए हैं। अरे भाई, जब तेरी गर्लफ्रेंड तुझे हिक्की देती है तो भी टॉक्सिन बाहर आ जाते हैं क्या? ये बेसिक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यार, इतना तो सबको पता होना चाहिए, जब भी कहीं सक्शन करते हैं तो खून जम जाता है उस जगह का, चाहे वो आपका कपिंग थेरेपी क्लिनिक वाला बंदा करे या आपकी गर्लफ्रेंड करे या खुद आप कर लें अपने, वो हो जाएगा, टॉक्सिन नहीं बाहर आ रहे। तो ड्राई कपिंग के तो थोड़े बहुत बेनिफिट्स हैं भी बिना खून वाली के, चलो थोड़ा ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया, लेकिन ये खून वाली का कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। और अगर हम एविडेंस की बात करें ना, ऐसा नहीं सिर्फ मेरा वर्ड ऑफ माउथ लो, एविडेंस में भी बहुत मिक्स्ड कंक्लूजन्स हैं। कुछ के हिसाब से थोड़ा इसने ब्लड फ्लो इंक्रीज़ किया, कुछ के हिसाब से कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इन कंसिडरेशन टू द एविडेंस अवेलेबल। कहोगे तो मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट चलो लगा दूंगा, मैं जो मुझे मिलेगा वो लगा दूंगा। वहाँ पर देखा गया, बहुत माइनर देखा गया है। देखिए मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि अगर रिसर्च कोई चीज़ को मतलब अच्छे से कवर नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ काम नहीं करती। बट यहाँ मल्टीपल रिसर्चेस हैं और सबका लगभग कंक्लूजन एक ही है कि माइनर इफ़ेक्ट्स हैं बहुत। तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इसके इफ़ेक्ट्स नहीं है, इफ़ेक्ट्स हैं, बट जितने बताए जा रहे हैं मार्केट में आपको उतने नहीं हैं। और मुझे हैरानी ये देख करके होती है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत विलिंग होते हैं इन सब में पैसा खर्च करने के लिए, बड़े बड़े क्रिएटर्स को देख करके, हम भी करवाएंगे ये जो सक्शन और टॉक्सिन बाहर निकालेंगे, अपने नहीं तो अपने माता पिता के को लेके जाएंगे, बीमार रहते हैं बेचारे, उनके टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगे ऐसे करेंगे तो। साफ, टॉक्सिन्स बाहर नहीं आएंगे, आपके पैसे बाहर आ जाएंगे जेब में से बस। चलो जिम में चलो, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि फोम रोलर कहते किसे हैं। जिसका जितना बेनिफिट है उसको उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, झाड़ पे नहीं बिठा लेना चाहिए उस चीज़ को। सेम इज़ द केस विद कपिंग थेरेपी। जैसे ट्रेंड की बात होती है, ग्लूटामिन का ट्रेंड आया, सब ग्लूटामिन लेने लग गए। बीच में ट्रेंड चला था कि मशीनें आपको चाहिए ही नहीं,
वेट लॉस करने के लिए, बहुत पहले देखा होगा आपने 1900s में लोग जो है जाते थे, खड़े हो जाते थे, उनकी मसाज हो रही होती थी एक तरीके से मशीनों से, वाइब्रेट कर रही थी मशीनें, खड़े हो जाओ उनके, वो वेट लॉस करती थी उस टाइम पे, मतलब ऐसा माना जाता था। सो इट्स हाई टाइम कि कोई इसके बारे में बात करे और ये जो नौटंकी चल रही है इसको बंद करे। मतलब एज अ फिटनेस प्रोफेशनल, नॉट प्रोफेशनल, अगर जिम गोअर हो आप तो आपको नहीं चाहिए यार ये। स्टॉप वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी, मसाज ले लो, अपने भाई या बहन कोई होगा घर में उसको पकड़ो, बोलो कि भाई पीठ पे मसाज कर दे मेरे, तेरे दिल की कहानियों की मैं बनू रात दीवानी रे, सोचू तेरे बिन अगर जिंदगी मैंने आंख से पानी रे। एंड वी आर एट द जिम। सेम ओल्ड। सो रूटीन वार्म अप मे बी, चाहे पुश हो चाहे पुल हो, वी नीड टू वार्म आवर रोटेटर कफ मसल्स। सो अपर बॉडी में नो मैटर आप क्या ट्रेन कर रहे हो, ये तो होना ही चाहिए, फॉर मी एटलीस्ट। आप लोग को तो आई डोंट नो, वेरी लाइट वेट, वी डो नॉट वॉन्ट टू फटीग आवर मसल्स, जस्ट गरम करके छोड़ना है, हल्का सा वेट बढ़ाएंगे, बहुत हल्का सा। सिंस वी आर ट्रेनिंग चेस्ट टुडे, तो थोड़ा सा बॉडी वेट पुशअप्स कर लेना समझदारी होती है, जस्ट टू वार्म द पैक मसल्स। बिफोर जंपिंग ऑन टू द मेन सेट, हल्के वेट से 15 kg से थोड़ा सा वार्म अप लेंगे। कोई भी मसल में अच्छे से पुश कर पाने के लिए जो फाइबर्स हैं उनका रिक्रूट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइबर रिक्रूटमेंट प्रिंसिपल आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बट मोस्ट ऑफ द फाइबर्स को रिक्रूट करने के लिए थोड़ा सा हैवी लोड देना पड़ता है। कितना अगर आप पूछो तो अप्रॉक्सीमेटली 50-60% ऑफ योर वन रैप मैक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वन रैप मैक्स है अगर 50 kg, तो 20-25 kg के आसपास आप उठाओगे और 3-4 reps, फटीग तक नहीं जाओगे, 3-4 reps 5 reps मारोगे तो काफ़ी ज़्यादा मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो आपको हेल्प करेंगे इन परफॉर्मिंग योर सेट। इसीलिए बहुत हल्के वेट से वार्म अप करना ज़रूरी नहीं है। मेन वर्किंग सेट अगर आपका लेट से 30-35 kg का है तो 20 kg तक तो एटलीस्ट, 20-22 kg तक तो एटलीस्ट आपको उठाना चाहिए 3-4 reps के लिए फॉर वार्म अप। वन मोर थिंग अबाउट द एंगल ऑफ द बेंच, आप लोगों को लग रहा होगा वहाँ से दूर से देखे कि मैं फ्लैट बेंच कर रहा हूँ, बट फ्लैट नहीं है ये, इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ काइंड ऑफ 15 degree angle। और 15 degree angle का इम्पोर्टेंस ये है कि ये सबसे ज़्यादा टारगेट करता है आपके अपर हिस्से को, काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है, जो बहुत बड़ा मिथ हुआ करता था कि अपर चेस्ट को ये चीज़ टारगेट नहीं करती, अपर के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर इंक्लाइन पे लगाना पड़ेगा। नो, दिस इज़ द बेस्ट अरेंजमेंट जैसा मैंने फील किया इन पास्ट कपल ऑफ मंथ्स और जैसा कि स्टडीज़ ने शो किया। एक लास्ट वार्म अप सेट 25 kg का, सिर्फ 4 reps निकालेंगे, ज़्यादा नहीं। नाउ इट्स टाइम फॉर फर्स्ट वर्किंग सेट जो कि रहेगा 35 kg का। देखते हैं इसमें सेल्फ कितने रेप्स आ जाते हैं। आई एम टारगेटिंग फॉर 8 reps। लेट्स सी। जय श्री राम। Thank you.
सिक्स रिप्स स्पोर्ट लिया होता अगर थोड़ा सा बेटर जाता, बट एनीवेज। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से काफ़ी वीक रहूँगा मैं। सोशल मीडिया स्टैंडर्ड्स जो सेट हैं उसमें 50 किलो तो लोग वार्म अप में लेते हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ यार, मैं इतना ही उठा पाता हूँ। मेरा जो PR है इसमें वो 40 किलो के 3 क्लीन रेप्स का है, बस इतना ही मैं लिफ्ट कर पाता हूँ। और धीमे धीमे आई एम ट्राइंग कि जिम का जो हैवीएस्ट डंबल है 45 kgs वहाँ तक भी पहुँचा जाए, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और अभी मैं बिल्कुल ट्राई नहीं करूँगा ये सब करने का, बिकॉज़ राइट नाउ आई एम कटिंग, और कट के समय अगर ये सब बेवकूफ़ियाँ की तो भारी पड़ सकता है। जितनी प्रोग्रेस हुई ये सब ख़त्म हो जाएगी, इंजरी लेके बैठ जाओगे, 2 कदम पीछे आ जाओगे। सो जब ये कट का फेज एंड होगा, थोड़ा मेन गेनिंग के पास पहुँचेंगे, देन फिर से मैं 40 किलो उठाऊँगा। बट अभी के लिए सेकेंड राउंड सेकेंड सेट, लेट्स गो फॉर आई डोंट नो रेप्स कितने, बट वेट हल्का सा ड्रॉप कर लिया मैंने। दिस इज़ 30 kgs और ट्राई करेंगे बहुत कंट्रोल्ड वे में इसको लगाने का, बट देखते हैं कितना कंट्रोल हो पाता है। कितने रेप्स निकले मैंने काउंट नहीं किया, बट एक दो और आ सकते थे। वैसे तो आई वाज सपोज टू डू दिस लास्ट सेट विद 25s, लेकिन मन नहीं मान रहा था, थोड़ा हल्का लग रहा था कि एक ईगो हर्ट हो जाती है ना, कि जिस वेट से वार्म अप शुरू किया था उसको आप एंड अपना वेट नहीं बना सकते। सो कोई बात नहीं, 30 से ही करेंगे। डाउन टू अर्थ केबल फ्लाइज, ये बहुत बेनिफिशियल है फॉर दोज पीपल जो कि बार डिप्स नहीं लगा पाते हैं, जैसे कि मैं अपने स्ट्रक्चर की वजह से। दिस रियली टारगेट्स योर लोअर चेस्ट बहुत अच्छे से, इसमें बाकी एंगल्स को भी टारगेट कर सकते हो, थोड़ा सा आगे लीन करके और इसको आगे की ओर ला करके, बट वो खड़े होकर के करो तो ज़्यादा बेटर है। स्लाइट चेंज ऑफ प्लान्स, अभी डाउन टू अर्थ केबल फ्लाइज नहीं करेंगे, खड़े होकर के करेंगे। नॉट बिकॉज के ये करने वाला था मैं, बट बिकॉज ये कैमरा हमें अच्छे से आ पा रहा है। कंपाउंड मूवमेंट्स का लॉजिक ये होता है कि उसमें यू कैन ओवरलोड योर मसल्स प्रॉपरली। कभी आपने सुना है एनीबडी बोस्टिंग के आई डिड 100 kgs फॉर इतने नंबर ऑफ रेपिटेशंस ऑन केबल मशीन? नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज केबल इज रियली फॉर आइसोलेटिंग योर मसल। तो इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है टेम्पो पर, और हैवी अगर लगा भी लो सो एंजॉय द स्ट्रेच पोजिशन। दिस इज़ वन एक्सरसाइज ऑफ मैनी जहाँ पर स्ट्रेच से खेल करके हाइपरट्रॉफी को इनिशिएट किया जा सकता है बहुत अच्छे से, बिकॉज ये सेफ है उस मामले में। टाइम फॉर नेक्स्ट सेट, अभी हम लेंगे 50 किलो, देखते हैं कितना आता है कितना नहीं। एक तो जिम वालों से बहुत शिकायत है मुझे, दे आर प्लेइंग टी सीरीज सॉन्ग ऑन लूप, तो रेवेन्यू तो गया यूट्यूब का समझो।
आई थिंक लास्ट सेट 55 किलो के साथ में, लेट्स सी कितने रेप्स आते हैं, ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है बट विल सी। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज कॉल्ड डंबल क्रूसिफिक्स फ्लाइज। इसमें आप बेंच से एकदम चिपक जाते हो, और क्रूसिफिक्स मतलब जैसे जीसस को क्रॉस में चिपका दिया था ना सीधे सीधे हाथ में, सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना है। सीधे हाथ नीचे आएंगे और सीधे हाथ ऊपर जाएंगे। उसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग इसको बेंच में बैठ के लगा सकते हैं जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। एक और तरीका होता है जिसमें आप थोड़ा सा बेंच में और ऊपर आ जाते हो और फिर आप लगाते हो। सो स्ट्रेंथ जो होता है ना वो इस वाले मूवमेंट में ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बैठ के लगा रहे हो तो। ध्यान देने वाली चीज़ इसमें ये है, वेट इसमें 10 किलो 15 किलो 20 किलो ये मत करना, शोल्डर चले जाएंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर क्लेविकुलर हेड, उसको टारगेट करता है अच्छे से। अभी मैं आपको शीशे में दिखाता हूँ तब आपको बेटर समझ में आएगा जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है। अभी समय है ट्राइसेप्स करने का और मैं जो है उसको पीछे से उसको जो है रिवर्स ग्रिप में कर रहा हूँ, दिख भी रहा हो। और एक प्राउड की बात यह है कि रिवर्स ग्रिप में जितना मैं उठाता हूँ इस मशीन में उतना इस जिम में कोई नहीं उठा पाता पीरियड। लास्ट सेट रिवर्स ग्रिप कुछ रेप्स में इसके फॉर्म बिगड़ने लग जाए ट्राइसेप वाले में तो घबराना नहीं होता। रीज़न बीइंग कि जब आप थोड़ा सा एक ऐसे सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हो जहां पर आपको अंतर समझ में आ जाता है कि क्या जॉइंट का पेन है क्या मसल का पेन है, एक्सपीरियंस हो जाते हो कहां पर बैक मुड़ रही है कहां पर नहीं मुड़ रही है, स्पाइन न्यूट्रल है कि नहीं है, लोड आ रहा है नहीं आ रहा है, उस टाइम पर यू कैन ब्रेक योर पोस्चर। अगर सारी चीज़ें आपके हिसाब से सही हैं, मेंटेन है, आपको दर्द नहीं हो रहा कहीं पर, तो पोस्चर को ऊपर नीचे कर सकते हो एज़ लॉन्ग एज आपका मसल माइंड कनेक्शन जो है वो अच्छे से आपके ट्राइसेप के साथ में बना हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, सो यू कैन डू इट। बट नॉट रिकमेंडेड फॉर बिगिनर्स, जो जितने भी एडवांस लोग हैं वो इसको बिल्कुल करें, बट सभी लोगों के लिए ये टिप नहीं है। इफ़ यू नो, इसका सिंपल सा आंसर ये है, अगर आपको मसल और जॉइंट के पेन में अंतर पता है इसका मतलब कि आप अपनी बॉडी को अच्छे से समझ चुके हो, एक्सरसाइज करते हुए काफ़ी टाइम हो कर सकते हो। अभी हम लेंगे एक सुपर हैवी सेट जो कि सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट वेट पर है ये मशीन के, और आपकी ग्रिप जो है वो रिवर्स ना करके ओवर हैंड कर देंगे और झूलते झालते सही, बट मैं अपना माइंड मसल कनेक्शन इससे बना के रखूँगा, तो झूलो तभी जब आपको पता हो कि आप बना के रखोगे। जैसे मैं थोड़ा झूलूँगा बट मेरा कनेक्शन मेंटेन है, थोड़ा और हैवी जा सकते हैं, सेकंड लास्ट पर लगा देते हैं। दा। दा।
अ वियर्ड एंगल टू टॉक, बट अभी मैं वो करने वाला हूँ यहाँ से, क्या कहते हैं उसको, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन विद डंबल्स। तो मैं कैमरा चेक ही कर रहा था, मैंने कहा बात भी कर लेते हैं इस एंगल में, क्या ही जा रहा है। एक मिनट में डंबल लेके आता हूँ। तो कुछ बातें और, सो दिस वन रियली टारगेट्स योर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। लॉन्ग हेड मतलब सबसे लंबा हेड, जो ट्राइसेप में साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, लॉन्ग हेड ही होता है। जितनी भी ओवर हेड मूवमेंट्स होती हैं, लेट के कर लो चाहे उठ के कर लो, वहाँ पर आपका लॉन्ग हेड ही टारगेट होता है। जिम डन, अभी घर वापसी। चलो बेटा, बढ़िया रहा, मज़ा आया। कैमरे की बैटरी तो कल से भी ज़्यादा जवाब दे रही है, आज मुझे और बैटरियाँ मंगानी ही पड़ेंगी जल्दी। अब आज इसको मैं बंद नहीं करूँगा, ये खुद टाइम बोलेगा, देखते हैं कब बोलता है। इसमें वो बन के आ रहा है, बैटरी पे क्रॉस बन के आ रहा है, मतलब बंद तो हो सकता है। सन किस्ड, क्या बात है। वर्कआउट अच्छा रहा, लेकिन और अच्छा हो सकता था, लेकिन क्या करें, कैमरा थोड़ा सा तो सफ़र करवाता है वर्कआउट। इतने सारे लोगों के बीच में कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट से एनी थिंग जो आपके मन में आए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि ये जिम में ना, वहाँ शर्टलेस नहीं हो सकते फ्लोर पे, मतलब अंदर जाके शर्टलेस हो, मतलब हो सकते हैं, लेकिन यार लोग इतने सारे रहते हैं, अनकंफर्टेबल लड़कियाँ होती हैं, ऑकवर्ड हो जाता है, मतलब सही नहीं रहता। पता नहीं यार कैसे ये रील वाले जो इन्फ्लुएंसर हैं, कैसे जिम में उतार देते हैं अपनी टी शर्ट, या तो जिम एकदम खाली हो उसके लिए। मेरा मन बहुत है पता है, ये जिम में शर्टलेस होने में जो मज़ा आएगा ना फ्लोर पे, लेकिन लेट्स सी, कभी मुझे हो सकता है रात के 3 या 4 बजे आके वर्कआउट करना पड़े उसके लिए। नेचुरल